सड़क पे क्या कर फाइट कर लिया हो गया ये लगा ये घुसने के लिए झगड़ा, ये देख रहे हो झगड़ा हो रहा है घुसने के लिए, मारपीट कर रहे हैं लोग, चढ़ने के लिए फाइट हो रही है यहाँ पर। आज कितने बंदर आए सब यहाँ पर देख रहे हो, फिर वहाँ पर देखो लटक रहा है। कोचिंग में इतने ज्यादा फंसे रह रहे हैं, खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे जस्ट कितना मस्त एरिया है, कर लो ये भी करना बाकी था। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे अभी आए हुए थे बाहर किसी तरह, क्योंकि बाहर का मौसम इतना प्यारा हुआ है। और ये देखो ये ब्रश कर रहा है, साथ में मेरा चाय पकड़ा हुआ है, तो चाय नमकीन पी रहे हैं क्योंकि नींद भग जाए। ये देख रहे हो बंदर आए हुए थे यहाँ पर, ये क्या कर रहा है लेटा हुआ है। ये देखो एक यहाँ पर बहुत सारे आए सब, वहाँ पर दो बैठे हैं सब, फिर इस पे है सब, देखो ऊपर कूद रहे हैं सब। ओए ले ले चाय पी ले, कर रहा नहीं पियेंगे देख रहे हो। ओए ले चाय पी, ले चाय पी नहीं पिएगी, चली गई। तो गाइस कोचिंग का छुट्टी हो गया, वैसे जाते वक्त में ब्लॉग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये है, इसके वजह से और लेट हो जाए। फ़ोन लेकर गए ही नहीं था जिम, और हम इसको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन का तो रिंग पूरा जा रहा है बट ये उठा ही नहीं रहा है। गया था जिम और फ़ोन ही लेकर नहीं गया था, कितना बड़ा बेवकूफ़ी किया था। अच्छा चार्ज नहीं था, हम इसके लिए 5 मिनट रुके और 5 मिनट के अंदर मेरा 5 मिनट बर्बाद गया और कोचिंग 5 मिनट लेट पहुँचे। सर कहें थोड़ा जल्दी आ जाया करो, ये आया 20 मिनट लेट। सर इसको वार्निंग दिए हैं आज लेट गया है तो पहले आ जाया करो, वरना जितना लेट करोगे तुमको गोली से उड़ा देंगे। तो ये कल से जल्दी आएगा, और अभी हम लोग आए लो यहाँ पर जहाँ पर खेलने आया करते लोग। आजकल कोचिंग में इतने ज़्यादा फंसे रह रहे हैं तो खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, वरना हर वक्त इसमें आया करते लोग खेलने के लिए। देखो मेरे पीछे जस्ट कितना मस्त एरिया है, इसी में खेलते हैं लोग, मारते हैं इसी में छक्का चौका। उस दिन आए तो बहुत ही मस्त खेले। अब टाइम मिलेगा अगले संडे को, तो अगले संडे को आया जाएगा इसमें खेलने के लिए। अभी तो फिलहाल आ रहे लोग देख कर चले जा रहे लोग, क्योंकि यहीं से जाते हैं लोग ना कोचिंग पढ़ने के लिए। कल से पागल हो चुका है द बॉय मीम्स के चक्कर में, सुबह सुबह ये गा रहा है ना द बॉय मीम्स, अभी ये रात तक सोते वक्त तक बड़बड़ाता रहेगा। आई आई ओ ओ पता नहीं कैसा है, उसी तरह बड़बड़ाता रहेगा। अभी फिलहाल चलते हैं घर क्योंकि बाहर इतनी तगड़ी धूप निकली हुई है। सो गाइस अभी कोचिंग से आए थे तो उस वक्त तुरंत नहाए क्योंकि इतनी तेज धूप निकली हुई है बाहर, तो गर्मी हो गई थी पूरी शरीर में, तो फटाक से नहाए हैं, वो भी एक बार नहीं दो दो बार नहीं, एक बार नहाए तो दोबारा से मन करने लगा है, तो दोबारा से भी नहा लिया है, फिर भी अभी भी मन कर रहा है नहाने को, बट क्या कर सकते हैं बार बार तो नहा नहीं सकते। ये बाहर कुछ ऐसा धूप निकला हुआ है, धूप तो इतनी तगड़ी निकल रही है जस्ट मेरे सर के ऊपर। बंदर भाई अभी तक गए नहीं सर, बहुत है सब, सुबह से बंदर इतने सारे आए सब, इतने सारे किसी को छत पर जाने ही नहीं दे रहे सब, परेशान कर दिए सब सबको। एंड जैसे ही ना आए तो बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो खाने में आज बना था पूड़ी और साथ में आलू का सब्जी, भाई मज़ा आ गया, मज़ा, पेट अभी भर चुकी है, तो अभी एक दो काम है उसको भी कर लेते हैं, वरना इतनी गर्मी में कोई काम करने को मन ही नहीं कर रहा है। तो भाई फाइनली सारा काम कर लिया जो जो करना था अभी, और बाहर वैसे ही धूप पूरी मिर्ची जैसी लग रही है। ये जो धूप निकली हुई है ना, इस धूप में ऐसे निकल रहे हैं जस्ट सर के ऊपर है, धूप बहुत ज़ोरों से लग रही है, ये भाई जल रहा है पैर, तो ये कपड़े ही कपड़े यहाँ पर डाले गए हैं। वैसे मम्मी भी क्या करे, बंदर इतने सारे आ रहे हैं सब, कपड़ा ही लेकर भग जा रहे हैं सब, गंजी लेकर चलेगा सब, तो हम लोग पहनेंगे क्या, इसीलिए नीचे की तरफ डला रहा है सारा कपड़ा कि बंदर लेकर ना भागे। भाई बहुत ज़्यादा ही आया है सब बंदर, दो दिनों से दिख रहा है सब बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी है और ऊपर आकर थंबनेल एडिट कर रहे थे, पूरा शरीर फिर से लग रहा पसीना जैसा हो गया, मन कर रहा है ना आ ले दोबारा, बट अभी भी पानी नहीं आ रही होगी और टंकी का पानी इतना हीट हो गया, इतना हीट, अगर जो टंकी का पानी से नहा लिया वो तो पूरा बेवकूफ़ है, इतना हीट है ना पूछो मत। तो अब थंबनेल तो एडिट हो गई, अब चलते हैं नीचे, जाकर पंखे के नीचे आराम से बैठ जाएंगे, धूप में क्या करेंगे ऊपर। भाई ये भाई पैर बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, पूरा गर्म है, पूरा गर्म। भाई साहब आज कितने बंदर आए सब यहाँ पर देख रहे हो, फिर वहाँ पर देखो लटक रहा है, अरे एक वहाँ पर और फिर वहाँ पर, पूरा लाइन से बैठे सब, परेशान कर दिए सब आज आकर। वो देखो छोटे वाले सब और शरारती है सब, कभी से कूद रहे सब यहाँ से वहाँ, बाकी सब यहाँ पर बैठे सब बाहर, और बाहर इतनी तगड़ी धूप निकली है,
अब बहुत तगड़ी धूप निकली है, अभी कुछ ही देर में निकलना हमको कोचिंग के लिए भी। जस्ट बाहर आए तो पंखे के नीचे खड़े हो गए, अभी बैठेंगे कुछ देर और फिर निकलेंगे कोचिंग के लिए। कितना टाइम है कोचिंग निकलने में? केवल 10 मिनट बचा है। ये यहाँ पर सिरपा का जूस जो पी लेंगे तो थोड़ा एनर्जी रहेगा, धूप में अच्छे से जा सकेंगे। ये सब तो टेंटे टेंटे किए हैं सब, देख रहे हो कितना बड़े हो गया। ओए ओए अब खाने लगे सब। 2 दिनों से इन लोगों को दिया जा रहा है चावल, तो खा रहे सब, वरना ये सब तो सत्तू पी रहे हैं सब कई दिनों से। अभी फिलहाल चावल भी खाना स्टार्ट कर दिए सब, तो हम अभी पीते हैं और फिर निकलते हैं कुछ देर में रेडी होकर कोचिंग के लिए। सो गाइस अभी कोचिंग के लिए निकल गए हैं और बाहर का कुछ अलग ही लेवल धूप हुआ है। ये है ना, इतना लेट कर दिया है, इतना भी लेट नहीं किया बट लेट कर दिया, सोया ही रहेगा। कर आओ 2 मिनट बाद हम उठकर रेडी हो रहेंगे कि बस चेहरा धोकर निकल जाएंगे। तो कहें चलो 5 मिनट बाद इसको कॉल किया है, फिर भी ये सोया ही था। फिर इसके घर पे गए तो 5 मिनट और वेट किया है, फिर जाकर आया है, अभी उसी तरह उठ कर चला आया है। स्टेशन पर आकर चेहरा धुला है, स्टेशन का पानी वो भी गर्म इतना होता है, उस दिन तो छुए तो इतना गर्म हो गया था। आज दूसरे जगह धुला है तो वहाँ का ठंडा था। नहीं जाम वहाँ पर है ना, हम लोग को जाने में भी टाइम लगेगा, और साथ में इतनी तगड़ी धूप हुई है, धूप के सामने निकले हुए तो हमको चक्कर आ रहा है। तो अब फिलहाल चलते हैं कोचिंग और कोचिंग से आकर मिलते हैं, क्योंकि बोल रहे तो मेरा ओट है ना बार बार सूख जा रहा है। सो गाइस फाइनली कोचिंग का छुट्टी हो चुका है, अब जा रहे हैं लोग घर। और जैसे ही स्टेशन से जाते हैं लोग, कोई ना कोई तो गाड़ी आती रहती है, कभी कभी तो पूरा स्टेशन ही खाली रहता है। आज जैसे देख सकते हो वहाँ पर गाड़ी आ रही है और अंकल जी घूरते हुए हमको साथ में। आज दूसरा पार्टनर चल रहा है, हरीशु हमसे अलग चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि इसके पार्टनर इसको छोड़ दिए सर, हमारे साथ जा रहा है। क्या बताओ आपस में झगड़ा करेंगे सब, फिर अगर वो सब देख रहे हो सब भाई बोलो लोग यार, क्या बताओ आपको, आपस में ये छोटी मोटी बात होती रहती है। ये ट्रेन आ रही है, अब इसमें बैठ कर चला जाएगा आगे, हम लोग आते लोग हम लोग की ट्रेन छूट ना जाए, टाइमिंग पे इसीलिए आया लो। गाइस एक राउंड मांगा जाए चलाने के लिए, अंकल जी से बोला जाए एक राउंड दीजिए, अगर भाई साहब बैठ गए तो पूरी चिया का लेकर चला जाएगा। इतनी गर्म है, देख रो क्या बातचीत करते चल रहे हैं सब। अरे यहीं पे पुलिस थे, आज तो यहाँ पर गजब भीड़ है, वरना जब जाते लोग खाली ही दिखता है। ये देख रहो ये घुसने के लिए झगड़ा, ये देख रहो झगड़ा हो रहा है घुसने के लिए भाई साहब, ये देख रहो। ओ यार ये क्या हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं लोग, नेक्स्ट लेवल। चढ़ने के लिए फाइट हो रही है यहाँ पर, वो तो दौड़े दौड़े आ रहा है कि इसमें जल्दी जगह मिले, और किसी को जगह ही नहीं मिल रही है। ट्रेन के जनरल बोगी में जगह ही नहीं है, इतने घुसने के लिए भीड़ हो रही है ना। स्टेशन पे जा रहा चेक करो, ये भाई साहब भीड़ अलग ही है, नेक्स्ट लेवल आज भीड़ है। हम लोगों तो जाने नहीं है ट्रेन से, हम लोग यहाँ से तुरंत निकल रहे जाए जा घर। एक रो लाइफ में स्ट्रगल सबकी, सब लोग अपना सामान अपने ही ले जा रहा है भाई साहब, सारे लोग सर पे झोला दिखेगा। और इसे किसी का मदद भी नहीं कर रहा है, ये ना तो अंकल जी का ये पकड़ कर पहुंचा दे बाहर, इतना भारी ले जा रहे हैं। सो भाई अभी आए हुए थे मैच देखने के लिए, और ये देखो लास्ट ओवर चल रही है, 19 ओवर 2 गेंद और रन देखो 149 पे 4 विकेट, केवल इतने ही रन, सोचे नहीं थे आउट। सोचे थे नहीं यार लखनऊ ऐसे खेलेगी। वैसे आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी केवल 3 गेंद बच गए तो देखते हैं और फिर कहीं पे चलेंगे घूमने के लिए। और ये भी आ गया मैच देखने, है इधर सुनो, ये क्या मेरा बात समझेगा इन्हें, ओए इधर आ, इधर इधर आ, मैच देखेगा, हाँ मैच देखेगा। देखो यहाँ पर मैच चल रहा है, देखो ये देखो तुम्हारे वजह से आउट हो गया, उसको खुजली धर लिया। यहाँ पर 4थी गेंद देखते क्या लगता है, वो मिस हो गया आउट। ओ भाई विकेट है पता भी नहीं चला, वैसे लगा है पहुंच गया है बट पहुंचा ही नहीं था। लो जी डायरेक्ट हिट हुआ है, डायरेक्ट हिट। और ये आखिरी गेंद यार ये भी मिस हो गया, केवल 2 रन तो है आउट। क्या हुआ यार, ब्लॉग स्टार्ट किए लगातार 3 विकेट गिर गई, लगातार तीनों बॉल पे 3 विकेट गिर गई यार, मैच हम नहीं देखेंगे। अभी बाहर निकले लो थोड़ा चाय पीने के लिए। अरे ये यहाँ पर ऐसा आगे आगे चल रहा था हमारे, और अमन को भी सोचे लो ले लिया जाए,
बट इसके पापा फोन उठा रहे हैं, उसको फोन लगा रहे थे तो इसके पापा उठा रहे हैं, कर रहे हैं, वो अभी बाहर घूम रहा है। आज कई दिनों बाद जा रहे लोग चाय पीने के लिए, वैसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो आज कह रहा है आदि चलो हम चाय पिला रहे हैं, 9:30 से भी ज़्यादा हो रहा है, कह रहा है चलो तभी भी पिलाते हैं, तो कहें चलो आज पी कर आते ही हैं लोग। फाइनली चाय ले लिए लोग और किसी के टोटो में आकर बैठ कर पी रहे हैं लोग। ये भी अपना ले लिया है, इनको चाहिए ज़्यादा मलाई वाला और इनको भी चाहिए ज़्यादा मलाई वाला। जो लग रहा है ड्राइवर है यहाँ का जो था आगे का पोजीशन वो टूट चुका है, इसलिए कई दिनों से ये दोनों यहाँ पर रील्स बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं। सब ये गेड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर बनाएंगे सब रील्स तो पुलिस इन लोग आकर बहुत मार मारेगा इन दोनों को। तो अभी हम लोग चाय पीकर निकल गए लो और कभी से रास्ते में ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं सब, ये कर रहे हैं जाएंगे हम वाटर पार्क, तो ये वाटर पार्क के बारे में बता रहा है तुम मत जाओ वहाँ पर, तुम जाओगे तो और भी ज़्यादा बिगड़ जाओगे, और ये जानते हो आप लोग कितना ज़्यादा पहले से बिगड़ा है। अभी जा रहे लोग घर ना आते, ऐसे ऐसे बात कर रहे सब भाई, इन लोग संग रहेंगे तो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, पहले से तो बिगाड़ दिए सब, कितना बिगाड़ेंगे सब। हाँ भाई ये और भी बिगड़ा हुआ है, हम जानते थे केवल तीस बिगड़ कर लो लो, ये भी करना बाकी ही था। क्या कर रहे हैं सब यार, नहीं सुधरेंगे सब, तो अभी फिलहाल चलते यहाँ से घर। ये भाई यार ये देखो, अब जैसे ब्लॉग एंड कर आदि ये देखो सड़क पे क्या कर फाइट कर लिया हो भाई हो गया ये लगा जी भाई यार क्या बोल रहे हैं, सत्य सड़क पे बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हैं, फिलहाल चलते हैं यहाँ से घर, ये सब अपना मजाक रोकेंगे सब नहीं। अब ब्लॉग को करते यही पे एंड, अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। का फेंक दिए उसको भी लगा देते, कटरीना का बन का चला IPL वाला में जो डांस नहीं करती है सब ऐसा ही लग रहा था, सड़क पर का सारा सामान उठा कर चलता हुआ पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू रौन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां ओ गया काम दिल तू मैं इसको बात